अब आप देखिए जो प्रकृति का क्रियाकलाप है, प्रकृति यानी भौतिक रासायनिक बराबर जल प्रकृति, जीवन क्रिया बराबर चैतन्य प्रकृति, और ये किसमें है? नियम में। नियम जो है वो प्रकृति में से पारगामी, ये समझ में आता है ना? तो सभी प्रकार के क्रियाकलापों में नियम ही सत्ता है, क्योंकि संपूर्ण भौतिक रासायनिक जीवन क्रियाएं नियम में नियंत्रित हैं, नियम के आश्रय में हैं, नियम में संतुलित हैं, नियम में व्यवस्थित हैं, इसलिए नियम ही सत्ता है। नियम में पारगामी का मतलब है? नियम में पारगामी है, उससे क्या तात्पर्य? हर इकाई जो है नियम के बिना नहीं है। कोई भी इकाई, किसी भी रचना का होना, किसी भी क्रिया का होना नियम विहीन नहीं है। नियम का मतलब क्या होता है? ये प्रश्न है कि नियम को हम कैसे पहचानते हैं? तो क्रिया की नियंत्रण पृष्ठभूमि ही नियम है। क्रिया की जो नियंत्रण पृष्ठभूमि है, पृष्ठभूमि है ना, जिसके कारण से क्रिया नियंत्रित है, जिसके कारण से क्रिया नियंत्रित है, जैसे ये सब चीजें अपनी अपनी जगह नियंत्रित व्यवस्थित रखी हुई है ना? क्यों रखी हुई है? ये कुर्सी जो है अपनी जगह पे ही क्यों है? क्योंकि कोई नियम है ना, गुरुत्वाकर्षण का नियम, कोई नियम है। अगर नियम नहीं हो तो, यानी आकर्षण नहीं हो, गुरुत्वाकर्षण नहीं हो तो हर चीज जो है अनियंत्रित हो जाएगी। तो एक मैंने उदाहरण के लिए आपको समझाया, अब दूसरे उदाहरण से समझे। जैसे बौद्धिक नियम है, बौद्धिक नियम हम कह रहे हैं असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता, है ना? यदि नियमों में इनके विपरीत हम समझने जाते हैं, जैसे संग्रह में आशा विचार इच्छा नियंत्रित होगा? अनियंत्रित होगा, अनियंत्रित होगा, है ना? इसका मतलब असंग्रह नियम है ना? अविद्या में आशा विचार इच्छा नियंत्रित होगा? अनियंत्रित, अनियंत्रित होगा। द्वेष में अनियंत्रित होगा, भय में, भय हो तो आशा विचार इच्छा नियंत्रित होगा? अनियंत्रित, अनियंत्रित होगा। और अहंकार में, तो इसका मतलब है कि जो असंग्रह आदि जो है वो नियम है, क्योंकि नियम पूर्वक ही क्रिया नियंत्रित संतुलित है। तो जो आशा विचार इच्छा रूपी क्रिया की जो नियंत्रण पृष्ठभूमि है वही नियम है, उसी को बौद्धिक नियम बोलते हैं, है ना? अब सामाजिक नियम, समाज किसको कहते हैं? समाज कहते हैं परिवार, परिवार संबंध को समाज कहते हैं। तो परिवारों के बीच में उनके व्यवहार को नियंत्रित करने वाली वस्तु क्या है? चरित्र है। पर नारी, पर पुरुष, है ना, पर धन और द्वेषपूर्ण कार्य व्यवहार एक दूसरे के प्रति,
वो चरित्रहीनता है, उसमें कोई भी सामाजिकता नियंत्रित होगी या असामाजिकता होगी? असामाजिकता होगी, है ना। तो सामाजिकता के रूप में जो नियंत्रण है, सामाजिकता क्या है? एक व्यवस्था है। असामाजिकता अव्यवस्था है। तो सामाजिकता कब होगी? जब स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, है ना, दयापूर्ण व्यवहार कार्य, इसलिए वो सामाजिक नियम। तो सामाजिक नियम से समाज का नियंत्रण है। प्राकृतिक नियम, प्राकृतिक नियम, जैसे हमारा शरीर है, ये प्रकृति है, जड़ प्रकृति। शरीर के अंदर सभी अंग अवयव नियंत्रित, संतुलित, निश्चित आचरण में रहते हैं या अनियंत्रित, असंतुलित, अनिश्चित आचरण में रहते हैं? संतुलित है ना। ताप का संतुलन, दाब का संतुलन, खनिज का संतुलन, ऋतु का संतुलन, इस रूप में प्राकृतिक नियमों को पहचानते हैं। तो प्राकृतिक नियम पूर्वक, है ना, सभी जो जड़ प्रकृति की क्रियाएं हैं वो नियंत्रित रहती हैं, जैसे शरीर में रहती, जैसे पृथ्वी में रहती। पृथ्वी में ताप का असंतुलन होगा तो सब कुछ असंतुलित हो जाएगा, है ना। तो वैसे ही हमारे शरीर के अंदर खनिज का असंतुलन होगा तो भी सारे अंग अवयव का आचरण जो है अव्यवस्थित हो जाए। ताप का असंतुलन होगा तो भी हो जाए, दाब का असंतुलन होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, सारे अंग अवयव जो है उपद्रव करने लगे, है ना। और ऋतु का असंतुलन हो जाए, मतलब जो ग्लैंड्स हैं वो कभी भी सीक्रेशन करने लगे, यानी निश्चित समय पे, निश्चित काल में ना करके अनिश्चित समय, अनिश्चित काल में सीक्रेशन करने लगे, यानी ऋतु का असंतुलन हो। जैसे अपान वायु है, तो अपान वायु जिस समय बहना चाहिए उस समय ना बहे तो मल निष्कासन की क्रिया नहीं होगी, और यदि वो नीचे की ओर नहीं बह के ऊपर की ओर बह जाए तो हार्ट में जाएगी तो हार्ट अटैक कर देगी, ब्रेन में जाएगी तो ब्रेन, है ना, ब्रेन को नष्ट कर देगी। इसी का नाम है ऋतु संतुलन, है ना, वायु का संतुलन, खनिजों का संतुलन, है ना, ताप का संतुलन, दाब का संतुलन। तो ये पता लगता है कि प्राकृतिक नियम में ही जल क्रिया का संपूर्ण क्रियाकलाप स्वभाव गति में रहता है। इसलिए मानव के जीने का कार्यक्रम क्या है? मानव स्वभाव गति में सुखी है या स्वभाव गति के बिना सुखी? स्वभाव गति में सुखी है। तो सभी क्रियाकलाप स्वभाव गति में नियम पूर्वक रहते, ऐसा है। मानव के अलावा नियम के विपरीत कोई जी नहीं सकता है, उसमें कर्म स्वतंत्रता नहीं है। मानव कर्म स्वतंत्रता बस नियम के विपरीत जीने के लिए गया और उससे वो दुखी है, ऐसा। तो नियम जो है वो सभी क्रियाओं में पारगामी है, सभी क्रियाओं की सत्ता है, सभी क्रियाओं में मध्यस्थ है। व्यवहार में मध्यस्थ क्या है? न्याय। व्यवहार में मध्यस्थ वस्तु क्या है? विश्वास है। विश्वास ही नहीं है तो व्यवहार कहाँ है? संबंध में मध्यस्थ क्या है? विश्वास है। संबंध में मध्यस्थ वस्तु क्या है? विश्वास नहीं हो मध्य में, दो लोगों के बीच में संबंध है, विश्वास मध्य में नहीं है ना, यानी व्यवहार रूपी क्रिया के मध्य में, इसीलिए उसको मध्यस्थ सत्ता भी बोलते। नियम न्याय धर्म सत्य जो है क्रमशः प्रकृति की में मध्यस्थ सत्ता के रूप में, मध्यस्थ सत्ता में ही मध्यस्थ क्रिया नियंत्रित, संतुलित, निश्चित रहती है। मध्यस्थ सत्ता में मध्यस्थ क्रिया, जैसे जीवन में मध्यस्थ सत्ता
और मध्यस्थ क्रिया क्या है? आत्मा। तो जैसे ही मध्यस्थ सत्ता में आत्मा में अनुभव क्रिया होती और उसी के साथ आत्मा जो है पूरे शरीर जीवन के संपूर्ण क्रियाकलाप को नियंत्रित संतुलित निश्चित कर देते, इसी का नाम अनुभव है। अनुभव रूपी क्रिया का मतलब क्या है? अनुभव का मतलब है आशा विचार इच्छा का नियंत्रण, संतुलन, संयमन, है ना, व्यवहार का संयमन, इंद्रियों का संयमन, कार्य का संयमन। इसलिए आत्मा को कारण बोला है और व्यापक वस्तु मध्यस्थ सत्ता को महाकारण बोला है। ऐसा अब ये बताइए, ये प्रत्यक्ष है कि अनुभव के बाद आएगा समझ में? प्रत्यक्ष सह अस्तित्व जो है प्रत्यक्ष है, इसलिए सह अस्तित्व में अध्ययन समझ में आया है बाबा जी को। हाँ, और वो उन्होंने अनुभव के आधार पर हमको समझा दिया। अब हमको उस तरीके से अनुभव की जरूरत नहीं, हम इस आधार पर अपनी कल्पनाशीलता को नियोजित कर ये तो समझ सकते हैं। अनुभव में भी अब तो बाकी क्या रह गया है? अध्ययन रह गया, बाकी दो चीजें रह गई, अध्ययन और अभ्यास। अध्ययन और अभ्यास। अभी हम लोग इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि अनुभव की सूचना है और हम उसका अनुसरण कर रहे हैं, सूचना का अनुसरण कर, हम अपनी मनमानी नहीं कर रहे, जैसा उन्होंने कहा है वैसा वैसा देख रहे हैं, वैसा वैसा देख रहे हैं तो हमको दिख रहा है, जो उनको दिखा वो हमको दिख रहा है। इसी से बाबा प्रामाणिक व्यक्ति है, सिद्ध होता है। हमको नहीं दिखता तो वो प्रामाणिक है कैसे सिद्ध होता है? यहाँ पर भी भैया विश्वास भी दिखता है, किसी ने ये सब दिखता है। हाँ, पर भी विश्वास है। किसी भी क्रिया पे विश्वास कब होता है? जब क्रिया के नियम का ज्ञान होता है। कोई भी क्रिया पे विश्वास आपको कब होगा? किसी भी व्यक्ति पे विश्वास कब होगा? जब उसके व्यवहार में न्याय होगा, है ना। प्रकृति पे विश्वास कब होगा? जब प्रकृति नियंत्रण संतुलन में, व्यवस्था में, यानी धर्म में रहेगी। यदि प्रकृति अपना धर्म छोड़ दे, जैसे भूकंप आता है तो प्रकृति पर विश्वास हो जाता है। जैसे जब भुज में भूकंप आया तो भूकंप आने के कई महीने तक लोग घर के अंदर नहीं रह पाए, अविश्वास आ गया, क्योंकि प्रकृति का नियम जो है वो नियंत्रण है। प्रकृति एक बार अनियंत्रित हो गई, भय आ गया, तो जब तक भय चला नहीं गया तब तक लोग घर के अंदर सो नहीं पाए। अच्छा, हम सो क्यों पाते हैं? हमको विश्वास है कि हम जाग जाएंगे। अगर किसी को ये विश्वास खत्म हो जाए कि वो जागेगा या नहीं जागेगा, वो सो पाएगा? है? नहीं सो पाएंगे ना, क्योंकि हम जीना चाहते ना। विश्वास, देखिए विश्वास दिखने लगा सबको। विश्वास समझ में आने लगा। अच्छा, किसी पे विश्वास नहीं हो तो सम्मान कर होगा उसका? नहीं होगा ना, तो विश्वास आधार तो ये उसके साथ उसमें ही बाकी चीजें भी समझ में आती है। विश्वास के बिना स्नेह भी नहीं व्यक्त होता, कुछ भी नहीं होता। अभी देखिए प्रश्न भी नहीं बनते होंगे आप, जब एक बार ये आपको समझ में आएगा तो आपके प्रश्न भी अपने आप खत्म हो जाते हैं। प्रश्न मुक्ति है, नहीं तो प्रश्न ही प्रश्न है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, फलाना क्यों? आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? अनुभव के पहले आ जाएगा समझ। समझेंगे तो ही अनुभव।
अब देखिए समझ में आ गया कि अस्तित्व से अस्तित्व है ना, अब अनुभव के लिए अध्ययन करना है। समझ में तो आ गया, अस्तित्व से अस्तित्व है, ये प्रत्यक्ष है, हमको समझ में आ गया। तो अब करना क्या है, स्थिति में समझ में आ गया, गति में समझना, हमको अस्तित्व से अस्तित्व है ये स्थिति में समझ में आ गया, इससे ज्यादा समझने के लिए है नहीं कुछ। अब गति में हमको स्थिति में समझ में आ गया, अब विचार में, आशा में, इच्छा में, गति में से अस्तित्व स्पष्ट हो जाए, व्यवहार में से अस्तित्व स्पष्ट हो जाए, कार्य में से अस्तित्व स्पष्ट। वो कैसे होगा, अध्ययन और अभ्यास पूर्वक, इसलिए अभ्यास दर्शन है, इसलिए विचाराभ्यास चिंतनाभ्यास है, इसलिए व्यवहाराभ्यास है, इसीलिए कर्माभ्यास है, इसीलिए विधानाभ्यास है। विचाराभ्यास और चिंतनाभ्यास है ना, ये आशा विचार इच्छा को से अस्तित्व विधि से व्यवस्था में रखने के लिए, व्यवहाराभ्यास जो से अस्तित्व को हमने पहचाना है व्यवहार में से अस्तित्व पूर्वक जीने है ना, और कर्माभ्यास हमने से नियम को पहचाना, प्रकृति जो है नियम पूर्वक है, कोई भी कार्य हम लोग करते हैं, खेती किसानी है ना, इंडस्ट्री में कोई भी प्रोडक्शन करते हैं, बिना नियम के कर लेंगे है ना, तो नियम पूर्वक ही कर सकते हैं। तो नियम पूर्वक यदि हम कोई भी क्रिया करते हैं, कार्य करते हैं, उसमें विश्वास ही रहता है। जैसे हम बीज डालते हैं जमीन में है ना, पहले उससे पहले मिट्टी तैयार करते हैं, फिर एक निश्चित दब गहराई तक बीज डालते हैं, फिर एक निश्चित समय पे पानी डालते हैं, तो हमको विश्वास है ना ऐसा करने से अंकुरित होगा, पेड़ निकलेगा, फिर वो बढ़ेगा, फिर उसमें फल होंगे। अगर ये विश्वास नहीं होता तो आप कल्पना कर सकते थे कि बीज जमीन में डालेंगे तो पेड़ हो जाएगा, कल्पना में भी नहीं आता। तो जैसे ही हम किसी क्रिया के नियम को पहचान लेते हैं है ना, तो हमको उस पर विश्वास हो जाता है, ऐसा करने से ऐसा ही होगा है ना, पानी डालने से यही होगा। तो नियम पूर्वक कार्य करने के लिए अभ्यास करना पड़ता और नियम को समझने के लिए अध्ययन करना पड़ता। किसका अध्ययन, से अस्तित्व का अध्ययन। जो भी भौतिक क्रियाएं हैं, जैसे उत्पादन क्रिया में ही है ना, क्रिया का अध्ययन, मिट्टी के नियम का अध्ययन, बीज के नियम का अध्ययन, मौसम के नियमों का अध्ययन है ना, जो पौष्टिक तत्व हैं उनके नियमों का अध्ययन, इनके नियमों का अध्ययन पूरा होते ही आपको उस कार्य में विश्वास हो जाता है, हम ये कर सकते हैं। ऐसे ही सारे उत्पादन हैं, जितने भी उत्पादन हैं, इसलिए उत्पादन प्रणालियां जो हैं वो नियम के साथ ही अध्ययन गम्य होती है, तभी उनमें अधिकार भी होता है, तभी उस पर विश्वास भी होता है ना। तो जितने भी प्राकृतिक नियमों का अध्ययन है वो इसी तरीके से होता है, क्रिया का हम अध्ययन करते हैं, क्रिया में जो नियंत्रित पृष्ठभूमि है उसको पहचानते हैं, उसी से नियम की पहचान होती है, नियम पूर्वक ही प्रक्रिया की पहचान होती है, प्रक्रिया पूर्वक ही प्रणाली की पहचान होती है। तो नियम प्रक्रिया प्रणाली पूर्वक ही व्यवस्था की पहचान होती है। इन सब के मूल में नियम है और नियम के मूल में विधि है और वो विधि सह अस्तित्व है। सह अस्तित्व ही विधि है जो नियम के रूप में सभी क्रियाओं में मध्यस्थ है। इस मध्यस्थता में क्रिया का अध्ययन करने से क्रिया पे विश्वास होता है ना। मध्यस्थ
मध्यस्थ का मतलब होता है जो नियंत्रित करने वाली वस्तु है, जो सम और विषम को नियंत्रित करता है वो मध्यस्थ है, है? सम विषम को नियंत्रित रखने वाली वाला जो बल है वो मध्यस्थ है। इसलिए मध्यस्थ ही नियंत्रक है, ऐसा है। तो मध्यस्थी समातिरेक और विषमातिरेक दोनों को सामान्य बनाए रखता है ना? तो जो सामान्य बनाए रखता है वही मध्यस्थ है। अभी हम लोगों का उत्पादन असामान्य हो गया, चाहे वो समातिरेक के रूप में हो चाहे विषमातिरेक के रूप में, अतिरेक में चला गया है ना, और इसलिए उसमें स्वभाव गति नहीं है। स्वभाव गति नहीं होने से आचरण की स्थिरता नहीं, उत्पाद में आचरण की स्थिरता नहीं, फलों में, सब्जी में, दूध में आचरण की जो उसकी मौलिकता की जो स्थिरता है या जो स्वभाव गति है वो नहीं है, ऐसा है। तो इसलिए मध्यस्थ सत्ता को, मध्यस्थ क्रिया को हम लोग नियम न्याय धर्म सत्य के रूप में पहचानते हैं, है ना। मध्यस्थ क्रिया क्या हो गई? मध्यस्थ सत्ता में संप्रक्त जो क्रिया है उसको। तो मध्यस्थ सत्ता को जीवन में पहचानने वाला अंग क्या है? तो आत्मा है, क्योंकि आत्मा ही सम और विषम के प्रभाव से मुक्त होती है। बाकी मन वृत्ति चित्त बुद्धि जो है सम और विषम के प्रभाव में रहती है, इसलिए मन वृत्ति चित्त बुद्धि मध्यस्थ सत्ता को नहीं पहचान पाती, क्योंकि मध्यस्थ सत्ता क्रिया नहीं है और सम और विषम क्रिया है। तो यदि सम क्रिया है और विषम क्रिया है तो जो क्रिया नहीं है उसको नहीं पहचान सकते। तो आत्मा ही एक ऐसी क्रिया है जीवन में जो सम और विषम से मुक्त हो जाती है, यानी जो स्थिति में है, और इसीलिए आत्मा में मध्यस्थ सत्ता में अनुभव नाम की क्रिया होती है। नहीं तो प्रश्न होगा बुद्धि क्यों नहीं पहचान पाती? बुद्धि से भी तो पारगामी है, चित्त क्यों नहीं पहचान पाता? इसीलिए जो सूत्र लिखा है दर्शन में कि मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मानुगामी होना ही साधना है, ऐसा दिया। प्रस्थापन प्रक्रिया ही साधना है। इसको पढ़ लें, मन पहले अध्याय को पूरा पढ़ लेते हैं एक बार, पूरा पढ़ लेना एक अध्याय। कुछ कुछ मैंने संकेत दिए हैं, देखिए कितना प्रसिद्ध होता है। अध्याय एक, ब्रह्म सत्य जगत शाश्वत, मानव दृष्टा पद में जागृति प्रमाण संपन्न है। अब ब्रह्म जिज्ञासा है, ब्रह्म शब्द के अर्थ को स्पष्ट करना है। मैं और मेरा के संदर्भ में निर्भ्रांति अथवा असंदिग्धता में से के लिए ब्रह्म जिज्ञासा है। चैतन्य इकाई के मध्यांश की संज्ञा मैं है, जो आत्मा के नाम से अभिहित है। मैं से मन वृत्ति चित्त और बुद्धि का वियोग नहीं है, इनमें आत्मानुगामी बनने योग्य क्षमता की प्रस्थापन प्रक्रिया ही साधना है। इन चारों के अविभाज्य समुच्चय की संज्ञा मेरा और जागृति है।
यही जीवन जागृति है। देह और देहकृत परिणामों का योग वियोग प्रसिद्ध है, जो मेरे द्वारा निर्मित था स्वीकृत रहा है। यह यानी ब्रह्म व्यापक है, जबकि प्रत्येक क्रिया सीमित है। यह ब्रह्म सत्ता है। यह अपरिणामी और अस्तित्वपूर्ण है, जबकि प्रत्येक क्रिया परिणाम पूर्वक स्थितिशील है। यह शब्दों द्वारा पूर्णतया उद्घाटित नहीं है, केवल शब्दों के द्वारा ब्रह्म का निरूपण अपूर्ण है। यह ब्रह्म की अप्रचुरता का नहीं, अपितु शब्द की अक्षमता का द्योतक है। शब्द की उत्पत्ति तथा स्थिति पाई जाती है। यह ब्रह्म केवल साम्य और व्यापक पूर्ण अस्तित्व ही है, क्योंकि ब्रह्म व्यापक वस्तु ही है, जीवन में भी पारगामी है, शरीर में भी पारगामी है। जीवन को ही व्यवहार में न्याय और समाधान के रूप में प्रमाणित होना है। व्यवहार में प्रमाणित होने के क्रम में ज्ञान विज्ञान विवेक पूर्वक ही जिम्मेदारी भागीदारी करना होता है, तभी ब्रह्म निरूपण पूरा संप्रेषित अभिव्यक्त होना पाया जाता है। इस प्रकार परम सत्य रूपी अस्तित्व व्यापक रूपी ब्रह्म में ही हर मानव प्रयोग व्यवहार व अनुभव पूर्वक प्रमाणित होने की व्यवस्था है। मानव की अभिव्यक्ति में भाषा एक आयाम है। मानव अपने संपूर्णता के साथ ही पूर्ण वस्तु को अभिव्यक्त करता है, यही पूर्ण जागृति का प्रमाण है। ये समझ में आ गए? कुछ प्रश्न है इसमें? कोई सेंटेंस कोई शब्द स्पष्ट नहीं हो? देह है, एक तो देह है, देह जो है उसका जन्म है मृत्यु है ना, जन्म के रूप में योग है, मृत्यु के रूप में वियोग है ना। देहकृत परिणाम मतलब जो शरीर से जो भी संकेत जीवन में जाते हैं वो देहकृत परिणाम है, वो सब जो है उनका योग वियोग प्रसिद्ध होते हैं और नहीं रहते हैं। जो मेरे द्वारा निर्मित थे वो मेरे द्वारा स्वीकृत रहा है, या तो मन से निर्मित होता है वो परिणाम है ना, मन वृत्ति चित्त बुद्धि से है ना। मेरा मतलब मन वृत्ति चित्त बुद्धि है ना, आशा विचार इच्छा उससे निर्मित होते हैं या उससे स्वीकृत होते हैं, वो स्वीकार कर। हम लोग शब्द स्पर्श रूप रस गंध को स्वीकार कौन करता है? मन करता है ना, इसीलिए ऐसा लिखा हुआ। शब्द की उत्पत्ति, शब्द हम किसको कह रहे हैं? अभी ध्वनि समुच्चय को शब्द कह रहे हैं ना, और अस्तित्व में जो वस्तु है वो स्थिति है, तो स्थिति को इंगित करने के लिए ही शब्द की उत्पत्ति है। तो शब्द का मतलब वस्तु के बिना शब्द नहीं है ना, इसलिए स्थिति भी है और उसकी गति भी उत्पत्ति भी, क्योंकि वस्तु तो स्थिति में बनी रहती। पदार्थावस्था स्थिति है ना, प्राणावस्था स्थिति है, जीवावस्था ज्ञानावस्था, तो प्रकृति में संपूर्ण इकाइयां जो है स्थिति है, क्रियाएं सभी क्रियाएं स्थिति है, सभी इकाइयां स्थिति में है ना। जैसे मानव स्थिति में, मानव से पहले जीव संसार स्थिति में है ना। तो शब्द में जो अर्थ है वो स्थिति है, और उसको इंगित करने के लिए जो ध्वनि है वो उसकी उत्पत्ति है।
शब्द की उत्पत्ति, अर्थ की उत्पत्ति नहीं, अर्थ की निष्पत्ति है ना, परिभाषाओं से अर्थ की निष्पत्ति होती है। अर्थ तो है, और अर्थ क्या है, तो रूप गुण स्वभाव धर्म ही अर्थ है। हर इकाई में रूप गुण स्वभाव धर्म ही अर्थ है ना, ठीक है। दोनों दो अर्थ हैं, एक अर्थ ये भी है जो आपने बोला, दूसरा इसमें ये भी है कि अभी मन वृत्ति चित्त जो है वो आत्मानुगामी नहीं है, परानुगामी है ना, परानुक्रम है। तो इसीलिए कहा ना, जो आपने कहा वो भी सही है ना, तो अभी उसकी दिशा जो है परानुगामी है, उसको आत्मानुगामी परानुक्रम पूर्वानुक्रम ऐसा है, तो पूर्वानुक्रम ही आत्मानुगामी है ना। योग क्षमता की स्थापना कर देना, मतलब जब मन वृत्ति चित आत्मा के नियंत्रण में रहे, अभी आत्मा के नियंत्रण में नहीं है, अभी वो इंद्रियों से और शरीर की क्रिया से संचालित होता है, वही देहकृत परिणाम है। जो देहकृत परिणाम हमारे स्वयं के अंदर में निर्मित होते हैं है ना, या स्वीकृत होते हैं, स्मृति के रूप में स्वीकृत रहते हैं ऐसा। जैसे आदर्शवाद में भी बताया गया कि मतलब इसको शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकते, ऐसे आदर्शवाद में जो बात बताई गई सत्य को, तो यहाँ पे जैसे दिया कि ये शब्दों द्वारा पूर्णतया उद्घाटित नहीं है, और उसके बाद केवल शब्दों के द्वारा ब्रह्म का निरूपण अपूर्ण है। तो केवल शब्द बोला है ना, लेकिन आचरण में निरूपण है उसका, मतलब निरूपण को आप ऐसा समझ लीजिए जिसमें समझा जा सकता है, जिसको उसको समझा जा सकता है, उस अर्थ में निरूपण शब्द का उपयोग। तो केवल शब्द से नहीं समझा जा सकता है, लेकिन आचरण में समझा जा सकता है ना, ऐसा। जैसे अभी हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे विश्वास को, तो विश्वास शब्द से समझ में नहीं आता है, लेकिन जब हम उसको व्यवहार में देखते हैं, उसको आशा विचार इच्छा के नियंत्रण में देखते हैं, तो विश्वास नाम की कोई वस्तु है स्पष्ट होता है, तो विश्वास का निरूपण हो गया ना, क्योंकि विश्वास का रूप नहीं होता है, इसलिए तो रूप होता है वो तो सीधा सीधा आकार आयतन के रूप में दिखाते जैसे नियम है, नियम क्रिया में ही पहचानने में आएगा, लेकिन कहाँ पहचानने में आए, जहाँ क्रिया नियंत्रित है, तो क्रिया के नियंत्रण में ही नियम की पहचान होगी, तो इसलिए नियम का निरूपण शब्द से नहीं हो सकता ऐसा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, आगे आगे पढ़े। तरीके से डिस्कशन भी किया था, वो सही है कि नहीं, वो आपसे पूछना था कि शब्द की उत्पत्ति या स्थिति पाई जाती है, जैसे स्थूल रूप में भी हम जो बोलते हैं उसकी स्थिति पाई जाती है, मतलब वो
वैसा ही रहता ही है फ्रीक्वेंसी के रूप में, ऐसा कुछ विज्ञान में भी नहीं। हम लोग यहाँ मध्य दर्शन में शब्द उसको कह रहे हैं जो अस्तित्व में वस्तु है उसको इंगित करने के लिए जो ध्वनि है, ध्वनि समुच्चय है ना। वो ध्वनि समुच्चय है जब अर्थ यानी वस्तु के साथ तदाकार हो जाती है, जिसी उसी को अर्थ निरूपण भी बोलते हैं ना, या अर्थ का आरोपण भी बोलते हैं। तो इसलिए शब्द में जो सत्ता है वो अर्थ होती है, शब्द की जो सत्ता है वो अर्थ है, अर्थ अस्तित्व में वस्तु है ना, हर वस्तु स्थिति में है ना, इसलिए ऐसा लिखा हो। इसलिए शब्द की उत्पत्ति होती है ना, लेकिन अस्तित्व में वस्तु स्थिति के रूप में रहती है। और कोई भी शब्द को अर्थ से मुक्त नहीं कर सकते, यदि किसी शब्द का अर्थ ना हो, ऐसा शब्द हो उसको केवल ध्वनि कहेंगे, शब्द नहीं कहेंगे। ध्वनियां भी दो प्रकार की हैं, स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि है ना। स्वर ध्वनियों का स्वर ध्वनियों को ही नाद बोलते हैं, और व्यंजन ध्वनि में नाद शामिल रहता है। जितने भी व्यंजन होते हैं उसमें स्वर साथ में रहता है, जैसे का खा का आदि है ना, उसमें आ रहता है सब, को बोलेंगे उसमें स्वर साथ में रहे, की बोलेंगे की तो उसमें ई शामिल है। तो व्यंजन ध्वनियों में स्वर ध्वनि शामिल रहती, और स्वर ध्वनियां जो हैं केवल स्वर ध्वनियां हो उसको नाद कहते, आ बोलेंगे नाद है। जैसे पक्षी लोग बोलते हैं, हम लोग उसको नाद बोलते हैं। पक्षी क्योंकि वो तो ध्वनि है ना, अर्थ नहीं है उसमें। दूसरी भाषा भी वैसे बोलते हैं। अगर कोई अलग भाषा है जो हम पहचानते नहीं तो हमारे लिए तो वो ध्वनि है, वो ध्वनि है यदि अर्थ नहीं है। लेकिन दूसरी भाषा अर्थ सहित ही होती है ना। यदि किसी भाषा में अर्थ नहीं हो, भाषा हो, उसको शब्द आडंबर बोलते हैं, शब्द का आडंबर, यानी शब्द है अर्थ नहीं है, या शब्द की सत्ता नहीं है। शब्द की सत्ता अर्थ है, अर्थ अस्तित्व में वस्तु है। यहाँ पे शब्द पूछ रहे ना, वो भाषा नहीं पूछ रहे, शब्द शब्द का है। हाँ, भाषा वाक्य समुच्चय, वाक्य शब्द समुच्चय, वाक्य जो है है तो उन्होंने कहा सही है, लेकिन उसमें एक बीच वाली लाइन भी है कि शब्द से वाक, वाक्य से भाषा, या शब्द से वाक और वाक्य से अनुच्छेद, अनुच्छेद यानी पैराग्राफ। ठीक है, बढ़िया। Gracias.
जड़े जो हैं अपने पोषक तत्वों को पहचानती हैं। जिसको मनोमय कोष कहते हैं ना, वो चयन क्रिया ही है। तो मनोमय कोष जो है वो जड़ प्रकृति में, खासकर जो प्राण कोशाएं होती हैं उसमें रहता है, प्राण कोशाओं में पहचान है। और वही चयन क्रिया जीवन में भी रहती है ना। तो जैसे जड़ जड़ जो है अपने पोषक तत्वों को पहचानती है, वैसे ही मन जो है वो सार्थकता को ही पहचानता है। हम लोग सार्थकता को पहचानते हैं, निरर्थकता को पहचानते हैं। जिसको सार्थक माने रहते हैं उसको पहचाने रहते हैं। एक अभ्यास दर्शन में एक पैराग्राफ है, भाषा की अभी बात निकली तो उसमें भाषा के रिलेटेड कुछ लिखा है, भाषा को लेके। हाँ, अलंकार वाला। हाँ, इसमें लिखा है भाषा में भाव की, भाषा में सॉरी भाषा भाव में शैली एवं भाषा भाव शैली में अलंकार एवं रस की, भाषा भाव शैली अलंकार एवं रस में भाषा विज्ञान तथा भाषा विज्ञान में भाषा के आश्लिष्ट एवं संश्लिष्ट भेद प्रभेद से साहित्य रचनाएं हैं। साहित्य परंपरा में मौलिक अक्षुणता यह है कि मानव की परस्परता में स्थिति या स्थिति निर्मित जो रसानुभूति की वांछाएं आकांक्षाएं हैं, वे भावपूर्ण वांग्मय मूर्तियों के संप्रेषण एवं स्वागत अथवा व्यंजित होने एवं व्यंजनोत्पादन क्रिया प्रक्रिया पूर्वक समय सन्निवेशात्मक साधन सहित व्यंजनास्थल में रसारोपण एवं पोषण में रत हैं। ऐसा कुछ बहुत बड़ा वाक्य था तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि ये क्या मीन्स। जो साहित्यिक रचनाएं हैं है ना, उनके प्रयोजन को स्पष्ट कर रहे हैं। तो साहित्यिक रचनाओं का प्रयोजन जो है रसास्वादन है ना। और रस भी दो प्रकार के रस हैं, है ना। एक रस है जिनको हम लोग सेंसरी प्लेजर्स बोलते हैं, और एक प्रकार के रस हैं जिनको मूल्य बोलते हैं ना, मूल्यों का रस, ज्ञान का रस, व्यवस्था का रस है ना। तो जो भी जीवन की क्रिया जो है वो रसास्वादन में भाषा के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से उसमें रत रहती है। ऐसा तो साहित्य कैसे बनता है उसकी विधि है, भाषा से भाव, भाव से शैली, शैली से अलंकार, अलंकार से भाषा विज्ञान है ना। भाषा विज्ञान जो है वो साहित्य में संश्लिष्ट और अश्लिष्ट है ना। इसका मीनिंग क्या रहता है? उससे ओतप्रोत, ओतप्रोत। मतलब अलंकार के साथ भी और अलंकार के बिना भी है ना, ऐसा। और फिर उससे जब जैसे ये जो सेंटेंस है ना, ये आपके अंदर व्यंजित नहीं हो रहा है। अगर व्यंजित हो जाता तो समझ में आ जाता है ना। तो व्यंजना नहीं हो रही है, मतलब उसका जो अर्थ है, जो रस है, भाव है, वो आपको ग्रहण नहीं हो रहा है। तो यदि उसका अर्थ भाव अपने अंदर में पहुंच जाता, वो व्यंजना है। व्यंजना ही जो है वो रस है ना। इसलिए सारी व्यंजनाएं जो है वो रसास्वादन में निमग्न हैं।
है ना। ऐसे देख लो आप, मन जो है सुख को तलाशता है या दुख को तलाशता है, और विचार और इच्छा सुख को ही तलाशते हैं सभी, है ना। तो मन ने किसी को सुख पहचाना, विचार कहता है इसमें ये ज्यादा सुख वाली चीज है, इच्छा कहता, इच्छा कहती है अभी इसको उसमें बोल रहे हैं, है ना, क्या बोलेंगे इसको, साहित्य के अर्थ में बोल रहे हैं। तो इच्छा, इच्छा ये कहेगी, इच्छा कहेगी कि ये जो विचार ने पहचाना है, इच्छा ये कहेगी ये यहाँ मिल सकता है, ऐसे मिल सकता है। इच्छा तो यही होती ना, जैसे आपको रसगुल्ले में है ना अच्छा लगा रसगुल्ला, है ना, तुरंत विचार इसमें बता देता है यार ये जो है ना तेल में बना है, शुद्ध घी में बना रहता तो और अच्छा लगता है। तुरंत इच्छा कहेगी यार शुद्ध घी का रसगुल्ला फलाने के यहाँ मिलता है, वहां जाके खा सकते। तो वो जीवन की क्रियाएं है ना रस में ही, रस की खोज में ही है, रसास्वादन में ही लगी रहती, ऐसा रसास्वादन। अब इसमें जो नित्य रस है उसको पहचानना है, उसके लिए साहित्य रचना है, उसके लिए वांग्मय है जिसमें हम नित्य रस को पहचान सकें। मैंने इसका एक चार्ट बनाया हुआ है, वो पूरा चार्ट आप देख लेना, कल दिखा दूंगा मैं, पूरा बनाया हुआ है चार्ट, उसको उससे परसीव हो जाएगा आपको। और भी नीचे भी कुछ है, थोड़ा ऊपर भी है। इसमें कुछ शब्द सन्निवेशात्मक, हाँ उसका अर्थ एक और शब्द लिखाना, सन्निवेशात्मक और सन्निवेशात्मक साधन सहित व्यंजना स्थल में रसारोपण एवं पोषण में रहते हैं। सन्निवेश का मतलब होता है किसी के सानिध्य में जो प्रभाव पैदा होता है वो सन्निवेश है ना। जैसे मन जो है इंद्रियों के सन्निवेश में रहता है, निकट में, पास में, उसके प्रभाव में। कल ये वाला अध्याय पूरा कर लेंगे, अभी इसको पूरा कर लेते हैं, पहला वाला हाँ इसको पूरा कर लेते हैं, छोटा सा ही है। अगला पैराग्राफ, मैं निर्भ्रमित अवस्था में आत्मा हूँ क्योंकि अनुभव मूलक विधि से ही जीवन जागृति का प्रमाण होना पाया जाता है। अनुभव मूलक विधि से बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन अभिभूति अनुगमित रहना पाया जाता है, अर्थात अनुभव के अनुरूप प्रतिरूप में मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि अनुप्राणित रहते हैं। अनुप्राणित रहने का तात्पर्य प्रेरित अभिव्यक्त रहने से है। इस प्रकार निर्भ्रम अवस्था में मैं अर्थात आत्मा होने का प्रमाण स्पष्ट होता है। इसे हर नर नारी जागृति पूर्वक प्रमाणित कर सकता है। भ्रमित अवस्था में जीवन में अहंकार हूँ जो अजागृति और भ्रम का द्योतक है। तो भ्रमित अवस्था में भी जो हूँ है ना वो अहंकार के रूप में हूँ, है ना। अच्छा, मैं जो अभी अपन हाँ, बात कर रहे थे, अभी जो अपन बात कर रहे थे ना, वो ये भ्रमित अवस्था में, भ्रमित अवस्था में भी हमको अपना होना स्वीकार रहता है, वही अहंकार है। जब हम मैं को स्वस्वरूप में नहीं पहचानते हैं तब वो अहंकार है। स्वस्वरूप क्या है? उसका आत्मा है, भले ही शब्द ना हो लेकिन वो अहंकार के रूप में हम,
इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अपना होना तो स्वीकार रहता ही है। हाँ, देख पाता है, उसका विश्लेषण सही से कर पाता है, विश्लेषण नहीं कर पाता है। हमको संकेत मिलता रहता है कि ये ठीक नहीं है। हाँ, और ये ठीक है, आशा विचार इच्छा को ठीक है पता नहीं रहता है, ठीक नहीं है ये पता रहता है, इसीलिए तृप्ति नहीं रहती। अगर ठीक है पता चल गया तो तृप्ति आ जाएगी। भ्रमित अवस्था में तृप्ति नहीं रहती। ठीक है ये दिखता नहीं है, ठीक नहीं है ये पहचानने में आता, ठीक नहीं है वही पहचानने में। हाँ, सही क्या है वो पता नहीं रहता, लेकिन हम कोशिश तो करते हैं कि नहीं ये कर सके, करते ही रहते हैं, फिर कितना भी कर लेते हैं फिर भी सही पहचानने में नहीं। इसीलिए कहा कि इच्छा बंधन, विचार बंधन और आशा बंधन है। तो हम ये करते हैं, वो करते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, सही पहचानने में नहीं आता। इसी का नाम है भ्रमित मानव परंपरा। भ्रमित अवस्था में ये कभी नहीं होता कि नहीं करते करते ही रहते। इसलिए भ्रमित अवस्था में जीवन में मैं अहंकार हूं, जीवन में जो मैं है वो अहंकार है। यहाँ पे मैं गलत लिखा हुआ, मैं हो गया ना, मैं अहंकार हूं। आगे पढ़ो, आगे। यही अजागृति और भ्रम है। एक पहले मेरा रह गया, उसमें मैं थोड़ा बैक जा रहा हूँ, पहले अध्याय में, पहले पेज में। हाँ, उसमें ये लिखा था कि मैं से मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि का वियोग नहीं है, इनमें आत्मानुगामी बनने योग्य क्षमता ही प्रस्थापन प्रक्रिया ही साधना है। इन चारों के अविभाज्य समूचे की संज्ञा मेरा और जागृति है। तो जब हम जागृति को डिफाइन करते हैं तो इसका ये मीनिंग हुआ कि जब वो आत्मानुगामी हो जाती है चारों, तो उसको जागृति कहते हैं। उससे पहले जागृति नहीं। अच्छा, तो इसमें आत्मा का अनुभव होता है और बाकी चारों जो है उसका आत्मा नहीं होता, आत्मा में अनुभव होता है ना। आत्मा में अनुभव का मतलब होता है कि मेरा अपना होना व्यापक सत्ता में है, मेरा अपना होना है ना व्यापक सत्ता में, मेरा अपना होना सह अस्तित्व में। तो इसलिए मैं जो है वो कोई व्यक्तिवादी क्रिया नहीं। इसी से पता लगता है कि मैं से भी व्यापक सत्ता पारगामी। इसलिए मैं का होना विश्वास है, विश्वास पूर्वक ही है ना ऐसा। और जब तक जिसको हम कहते हैं अनुभव नहीं होता है, तब तक मैं पे विश्वास नहीं होता। इसलिए उस समय तक हम मैं मान्यता के रूप में रहता है, उसी को अहंकार और भ्रम भी बोलते हैं। मैं हूं इसका भास बना रहता है, क्या हूं ये स्पष्ट नहीं होता है ना। जागृति के बाद मैं जो हूं वो स्पष्ट हो जाता, तो इसलिए भ्रम नहीं रहता, पहली बात। दूसरी बात, जैसे ही आत्मा में अनुभव होता है, बुद्धि में उसकी स्वीकृति होती है। बुद्धि में स्वीकृति होने से चित्त, मन, वृत्ति और चित्त जो है वो नियंत्रित, संतुलित हो जाते, निश्चित हो जाते। यानी सारी जो क्रियाएं हैं चित्त की, वृत्ति की और मन की क्रियाएं, वो नियंत्रित हो जाती है। इसी का नाम जागृति है, इसीलिए यहाँ पे जागृति। तो यदि किसी का मन, वृत्ति, चित्त नियंत्रित, संतुलित, संयमित नहीं हुआ है तो उसको अनुभव हो गया, ये सिद्ध नहीं होगा, है ना। अच्छा, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि किसी का नियंत्रित, संतुलित हो गया, ये हमको पहचानने में नहीं आएगा,
वो कह सकता है भाषा से, है ना, लेकिन यदि वो व्यवहार में नहीं आया है तो उसका मन नियंत्रित हुआ है, संतुलित हुआ है, वृत्ति नियंत्रित संतुलित हुई है, सिद्ध नहीं होता, क्योंकि व्यवहार में ही दिखेगा। इसीलिए आचरण प्रमाण है। कोई कहता है कि मुझे अनुभव हो गया, और वो ये भी कह सकता है कि मेरा मन वृत्ति चित्त जो है वो सब नियंत्रित संयमित हूँ मैं, संयम से, और व्यवहार में नहीं दिखता है, तो उसको अनुभव हो गया, ये सिद्ध नहीं होता। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? आप लोगों को इधर बैठना पड़ेगा बीच में मुझे, नहीं तो सुनीता कहेंगे कि पुरुषवादी हैं पाठक जी। आपको पता नहीं मानव का भी लोगों ने जेंडर बना दिया, वो कहते हैं स्त्री को कहते हैं मानवी, मानवी है नहीं मानवी, जैसे आदमी और औरत है ना, स्त्री और पुरुष, वैसे ही मानव मानवी। लोगों ने तो वस्तुओं को भी स्त्री और पुरुष बना दिया ना, जैसे खिड़की होती है और दरवाजा होता है। है ना, चम्मच होती है और बड़ा चम्मच होता है, छुरी होती है छुरी छोटी होती है, छुरा होता है छुरा जो है होता है। जैसे कुर्सी होती है वो बेंच होता है, वो सोफा होता है, सोफा बड़ा होता है। हमसे किसी ने कहा कि ये जो है आप ऐसा बोलते हो लेकिन बल्ब होता है और ट्यूबलाइट होती है। तो मैंने कहा इसीलिए लड़कियों को ट्यूबलाइट बोलते हैं। हर चीज ऐसे ही होती है, जैसे आप झोला लिए छोटी छोटा झोली, आप स्त्री कुर्ता पहने पुरुष कुर्ता पहने, कुर्ता तो कुर्ता ही है लेकिन उसकी कुर्ती हो जाती है, कुर्ता जूता जूता ही है, वो जूती है वो, ये जूता आदमी पहन ले जूता, आदमी का पैर छोटा हो है ना, स्त्री का पैर बड़ा हो तो भी स्त्री का जूता जूती है, पुरुष का जूता जो है। पूरी जेंडर बायस है भाषा, है ना, पूरी भाषा जेंडर बायस है। तो भाषा को भी जो है जेंडर बायस बना दिया है सभी चीज। आप कह रहे थे ना ये जो है पेन होता है कि होती है, और पेंसिल होती है। पेंसिल पेन से कम है ना, इसलिए
है, पेंसिल होता क्या जी? इरेजर होता है, अगर वो इरेज नहीं कर पाए जैसे पेन को इरेज नहीं कर पाता इसलिए पेन होता है पेन हिंदी में बहुत ही दिक्कत है, हिंदी में भाषा में बड़ी दिक्कत है ना। आत्मा को लेके लोग बहुत कंफ्यूज रहे, आत्मा होती है वो तो उसी का नाम आत्मा अनुगामी। भाषा का परिमार्जन उसी का नाम आत्मा अनुगामी है, आत्मा अनुगामी स्थापना है ना। होती है क्या बता रहे हैं? होती है होता है। तेरा बहुत चलता रहता है। ईश्वर होता है कि होती है, आत्मा होती है कि होता है, ऐसा है। तो कई कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो कुछ लोग लिखते हैं आत्मा होता है, कुछ किताबों में कुछ दर्शन में आत्मा होता है ऐसा लिखा हुआ है, कुछ में लिखा आत्मा होती है, मन वृत्ति चित बुद्धि होती है ना, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन ये भी लिखा है कि स्त्रियों में आत्मा ही नहीं होती है, हम लोग उसको नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं, क्यों पढ़ लेते हैं? तो इसीलिए कंफ्यूजन रहा, चीजें स्पष्ट नहीं रही, बायसनेस रही मानसिकताओं में, भाषा में, व्यवहार शैलियों में, आचरण शैलियों में, सब में बायस न बायस न रही हैं ऐसा। अभी तो एक हमारे पास अवसर आया है कि हम इसको बायस, ठीक है समझ में आ गया बायस ने। भ्रमित बुद्धि ही अहंकार है। भ्रमित बुद्धि अपने तात्विक स्वरूप अर्थात यथास्थिति स्वरूप में आत्मबोध रहित होना ही रहा, इस स्थिति का नाम अहंकार है। ऐसी घटना के कारण में शोध और अनुसंधान की अपूर्ति रही, मनाकार को साकार करने के पश्चात भी दुखी होने का कारण यथावत रहा। मन स्वस्थता को प्रमाणित करने व उसकी निरंतरता में मानव परंपरा में प्रत्येक नर नारी अनुभव मूलक विधि से आत्मबोध सहित प्रमाणित होना सहज और आवश्यक है। आत्मबोध और ब्रह्म अनुभूति के लिए सहज जिज्ञासा है, यह मानव परंपरा में जागृत शिक्षा संस्कार पूर्वक समाधानित सार्थक होना पाया जाता है। यह ब्रह्मानुभूति सर्व मानव सहज इष्ट है, क्योंकि अनुभव मूलक विधि से ही हर नर नारी यथार्थता वास्तविकता सत्यता को प्रमाणित करते हैं। यह सबको सर्वदा सर्वत्र एक सा प्राप्त है, जबकि हर इकाई दूसरी इकाई के लिए प्राप्य है। प्राप्त की अनुभूति और प्राप्य का आस्वादन एवं सानिध्य प्रसिद्ध है। आत्मा ब्रह्म से भिन्न होते हुए भी
नेष्ट नहीं है, क्योंकि प्रकृति सहज सर्वोच्च विकासपूर्ण जागृतिपूर्ण अथवा जागृतिशील अंश ही आत्मा है। ब्रह्म व्यापक में आत्मा चैतन्य इकाई सहज मध्यांश के रूप में होते हुए अनुभव योग्य क्षमता नित्य वर्तमान है। जीवन इकाई का विघटन नहीं होता, जीवन अमर है। विकास भेद से इस पृथ्वी पर प्रकृति चार अवस्थाओं में द्रष्टव्य है। प्रत्येक इकाई प्रकृति का अभिन्न अंग है। ज्ञानावस्था की निर्भ्रम इकाई में जीवन सहज अमरत्व, शरीर सहज नश्वरत्व एवं व्यवहार के नियमों सहज ज्ञान है, अन्यथा वह उसके लिए बाध्य है। प्रकृति यानी क्रिया समुच्चय एवं ब्रह्म सहज सहअस्तित्व अनादि काल से अनंत काल तक है। प्रकृति अनंत इकाइयों का समूह है। प्रत्येक इकाई में विकास व ह्रास उसकी गति से उत्पन्न सापेक्ष शक्तियों के अंतर्नियोजन तथा बहिर्गमन की प्रक्रिया पर आधारित है। शक्ति का अंतर्नियोजन ही जागृति यानी विकास है। मूल इकाई का तात्पर्य परमाणु से है। विकास के संदर्भ में इकाई का तात्पर्य परमाणु से है। ब्रह्मानुभूति के योग्य क्षमता योग्यता पात्रता से संपन्न होने तक ही जागृति व ब्रह्म की संभावना बनी रहती है। ब्रह्मानुभूति पूर्ण क्षमता योग्यता एवं पात्रता से संपन्न होना ही ब्रह्म मुक्ति है। चैतन्य इकाई का जड़ की आस्वादनापेक्षा से मुक्त होना एवं प्रेममयता में अथवा सत्ता में अनुभूत होना ही मोक्ष है। दया कृपा करुणा सहज संयुक्त प्रमाण ही प्रेम है। ब्रह्मानुभूति बोध सहज आनंद ही पांचों ज्ञानेंद्रियों में आस्वादन सुख की उपेक्षा है, जिसे पर वैराग्य संज्ञा दी जाती है। अनुभव सहज आनंद में निरंतरता ब्रह्मानुभूति सहज आध्यांत लक्षण है, जो अधिक न्यून व अभाव से मुक्त है। अनुभव सहज अभिव्यक्ति ही संपूर्ण भाव संपन्नता और प्रमाण है। अजागृत मानव इकाइयों के जागृति में सहायक होना ब्रह्म मुक्ति एवं जागृत मानव इकाइयों का स्वभाव है। मोक्ष पद ही नित्य, अन्य पद अनित्य है। मोक्ष पद में ही आनंद सहज निरंतरता है, अन्य किसी पद में नहीं। आत्मा सहज अभीष्ट ही यह यानी ब्रह्म में अनुभव है। इसलिए आत्मा अपने से अविभाज्य बुद्धि चित्त वृत्ति एवं मन से प्रभावित नहीं है। आत्मा मध्यस्थ क्रिया और ब्रह्म मध्यस्थ सत्ता है। सम विषमात्मक क्रिया तथा शक्ति से आत्मा प्रभावित नहीं है। आत्मा ही मैं और मैं में इष्ट ब्रह्म है। ब्रह्मानुभूति संपन्न मानव ही जड़ प्रकृति की आसक्ति से मुक्त है, जिसका जीवन ब्रह्म मुक्त अवस्था में है। जीवन मुक्त इकाई यानी ब्रह्म मुक्त मुक्ति में भूत भविष्य की पीड़ा एवं वर्तमान का विरोध नहीं है। यही अन्य के सुधार के लिए व जागृति के लिए प्रेरणा स्रोत है। यह में अनुभव ही परमानंद है। यह में अनुभव की तृष्णा प्रत्येक मानव इकाई में विद्यमान है। यह में अनुभव आत्मा को और बोध बुद्धि को होता है। यह ही शून्य ज्ञान और साम्य सत्ता है। इसलिए यह समस्त क्रिया का आधार है। इसे ज्योति शब्द से भी जाना जाता है। ब्रह्मानुभूति में प्रकाश का अभाव नहीं है, बल्कि शाश्वत प्रकाश में अनुभव है। व्यापक में अनुभव ही शाश्वत प्रकाश है, क्योंकि
सहस्तित्व स्पष्ट हो जाता है। इसलिए यह अनुभूति मूलक सत्यापन केवल सार्वभौम लक्ष्य एवं कार्यक्रम की ओर इंगित है। आप्तता ही प्रमाण सहित उपदेश यानी उपाय सहित आदेश का कारण है। जीवन मुक्त यानी ब्रह्म मुक्ति में आप्तता का अभाव नहीं है। नित्यम यातु शुभोदयम। बताइए क्या पूछना है। कोई प्रश्न? एक लाइन लिखा है, आत्मा अपने से अविभाज्य बुद्धि चित्त वृत्ति एवं मन से प्रभावित नहीं है। तो आत्मा से अविभाज्य तो नहीं है, प्रभावित भी नहीं है। तो मीन्स इन चार जो है, बुद्धि चित्त वृत्ति एवं मन, उनसे आत्मा को कोई प्रभावित नहीं कर पाता, ऐसा बोलना चाहते हैं? नहीं, आत्मा मन वृत्ति चित्त बुद्धि का प्रभाव आत्मा में नहीं जाता है, आत्मा से ये सब प्रभावित होते हैं। प्रभावित भी नहीं होते, ऐसा बोलना ठीक नहीं है, है ना। उससे नियंत्रित संयमित होते, निश्चित होते, निश्चित आचरण में आ जाते, संतुलन में आ जाते, व्यवस्था में आ जाते। आत्मानुगामी होते ना, आत्मा में अनुभव रहता है, अनुभव के प्रकाश में नियंत्रित, क्योंकि व्यापक सत्ता नियंत्रित है, स्थिति में गति नियंत्रित है, ऐसा भी समझा जाता है। स्थिति में गति नियंत्रित है, और कोई नहीं है इसलिए नियंत्रण। और कोई प्रश्न? और कोई प्रश्न? या उसी में लास्ट लाइन है, उसके नीचे पेज नंबर 4 में, आत्मा ही मैं और मैं में इष्ट ब्रह्म है। तो उसमें आत्मा ही मैं वो समझ आ गया। तो मैं ईस्ट क्या है ना, तो वो ब्रह्म है, क्योंकि मैं जो है ब्रह्म से उत्प्रोत है, आत्मा ब्रह्म से उत्प्रोत है, यह संप्रक्त है। इसी संप्रक्तता का नाम तो अनुभव है। नहीं, मैं मतलब ब्रह्म में, मैं जो है ब्रह्म में ही है ना। लेकिन इसका इसको समझने का अधिकार केवल आत्मा के पास है। इसको समझना या जिसको कहें कि इसमें इसका अनुभव का अधिकार है। और इसीलिए लिखा है कि बाध्यता भी है। बाध्यता है, बाध्यता क्यों है? क्योंकि आप नियम न्याय धर्म सत्य के विपरीत जिएंगे तो जी नहीं पाएंगे, इसलिए बाध्यता है, आपको जीना ही पड़ेगा, नहीं तो आप जी नहीं पाएंगे। जैसे यदि आप शरीर के नियमों की उपेक्षा करेंगे, आप शरीर में नहीं रह पाएंगे, है ना, इसलिए बाध्यता है। या तो आप शरीर छोड़िए, नहीं तो शरीर के नियमों को पालन करें। ब्रह्मानुभूति पूर्ण क्षमता योग्यता एवं पात्रता से संपन्न होना ही ब्रह्म मुक्ति है। चैतन्य इकाई का जड़ की आस्वादन अपेक्षा से मुक्त होना एवं प्रेममयता में अथवा सत्ता में अनुभूत होना ही मोक्ष है। इसको थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन।
तो जैसे ही हम अनुभव संपन्न होते हैं, तो अनुभव क्या है, जैसे अभी बताया था ना विश्वास, तो वैसे ही प्रेम, तो प्रेम जो है पूर्ण मूल्य है। तो प्रेम रूपी जो सत्ता है उसमें अनुभूत हो जाना, यानी प्रेममय हो जाना, जिसको पद बोलते हैं प्रेममय, सत्तामय हो जाना, प्रेममय हो जाना, विश्वासमय हो जाना, ऐसा बोलते हैं, भाषा ऐसी बनी। इसका मतलब क्या है, तो इस कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि जो पांच इंद्रियों से जो हम लोग सुखा जो आस्वादन अपेक्षा थी उससे मुक्त हो गए। यदि आप उसमें लिप्त हैं तो इसका अनुभव हो ही नहीं सकता है ना। तो उन्होंने कहा इससे मुक्त हो जाना ही पर वैराग्य, नहीं तो हम उसी इंद्रिय सुख में ही फंसे रहते। और इंद्रिय सुख में सुख की निरंतरता नहीं है, इसलिए इंद्रिय सुख बंधन है, क्योंकि हम निरंतर सुख से कम में हम तृप्त नहीं होते। तो जिसमें सुख की निरंतरता नहीं है उसमें सुख पाने की जो कामना है वही आसक्ति है। आसक्ति का मतलब ये, जिसमें सुख की निरंतरता नहीं है उससे सुख पाने का प्रयास ही आसक्ति।